आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। जय बहादुर सिंह उर्फ गुड्डू सिंह की तरफ से समस्त क्षेत्रवासियों, जनपदवासियों तथा देशवासियों को धनतेरस, दीपावली, डाला छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। आजमगढ़ में फर्जी वाले का अजब गजब कारनामा सामने आया है। धनतेरस के दिन खुद को SDM बताकर एक ठग ने मिठाई विक्रेता को 14,000 की चपत लगा दी। विक्रेता को जब नुकसान का पता चला तो उसके होश उड़ गए। बता दें कि पूरा मामला आजमगढ़ जिले के जीएनपुर बाजार स्थित एक प्रसिद्ध मिठाई दुकान श्याम स्वीट का है, जहाँ पर दूर दराज से लोग मिठाई खरीदने आते हैं। बता दें कि धनतेरस के दिन मंगलवार शाम 3 लोग काले रंग की स्कॉर्पियो से दुकान पर पहुंचे, अलग अलग प्रकार के 14,000 रुपए की मिठाई खरीदी। तीनों लोगों में से एक ने दुकानदार को खुद का परिचय आजमगढ़ सदर के SDM अमित राय बताया। दुकानदार ने भी साहब को SDM सदर समझ खूब सेवा पानी की। भुगतान की बारी आई तो कथित SDM ने कैश ना होने का हवाला देते हुए 14,000 रुपए का चेक काट कर दिया और स्कॉर्पियो में बैठ कर चलते बने। दुकान मालिक श्यामराज जब चेक को बैंक में जमा करने गया तो पता चला कि यह फर्जी चेक है। चेक पर भारतीय स्टेट बैंक अकबरपुर जिला अंबेडकर नगर लिखा हुआ है। चेक पर अमित कुमार का नाम अंकित है। अब फर्जी चेक लेकर दुकानदार इधर उधर भटक रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो क्या करे। तो क्या करे, त्योहारों के दिन खुद के साथ हुए फर्जीवाड़े पर उसे भरोसा नहीं हो रहा है। उधर इस घटना के बाद जीएनपुर बाजार के व्यापारी अब ठगों को लेकर सतर्क हो गए हैं। वहीं यह घटना चारों तरफ चर्चा का विषय बनी हुई है। हालांकि दुकानदार मालिक ने अभी कोई तहरीर नहीं दी है। दुकानदार ने कहा कि हम जीएनपुर कोतवाली में फर्जी चेक लेकर तहरीर देंगे। न्यूज 9 भारत के लिए अमित तिवारी की खास रिपोर्ट। मेरा नाम रामराज प्रजापति है जी। अभी आपके दुकान पर कोई ग्राहक आया था और आपको जो है फर्जी चेक लेकर गया है। हाँ, कल इसकी कल देखा गया है। हाँ, तो इसकी क्या कहानी पूरी है? उसकी कहानी है कि हमसे सब मेवा की मिठाई बनवाए, 14,000 रुपया का बिल हुआ। गाड़ी में थे बैठे हुए, गाड़ी में पानी में मंगवाए, मिठाई में पानी पिए, फिर गाड़ी में बुलाए कि आइए हम मतलब हिसाब कर दें। तो हम बोले सर ऐसा पेटीएम हमारे पास है, पेटीएम कर दीजिए। कहे क्या परेशान करोगे यार, हम ऐसा चेक काट के दे दे रहे हैं। हाँ, फिर उसके बाद उन्होंने चेक काट के फिर भी हमको, हम बोले सर ऐसा मोबाइल नंबर कुछ अपना दे दीजिए। हाँ, हमें डाउट हुआ तो मोबाइल नंबर दिए, तो मोबाइल नंबर गलत है। तो आपको जब ये चेक काट कर दिए तो आपको थोड़ा भी ऐसा नहीं लगा कि मतलब कहीं आपको जो कि कहीं आपका कुछ फ्रॉड हुआ है? वो बोल रहे थे कि हम तो अगर कि मतलब SDM है। हाँ, अच्छा, उन्होंने आपसे कहा कि आप सदर के SDM है? हाँ, सदर के SDM है। क्या नाम बताया? अमित कुमार राय। अमित कुमार राय। अच्छा, अपना नाम बताया, अमित कुमार राय बताया। हाँ, और क्या कहा उन्होंने? बस हम बोले सर पेटीएम हमारे पास, पेटीएम कर दीजिए, चेक क्यों दे रहे हैं? तो कहे क्या परेशान करोगे यार, हाँ चेक काट के दे दे रहे हैं। और आपसे जो कि कितने पैसे की मिठाई ले गए? 14,000 रुपये की मिठाई। 14,000 मिठाई में क्या क्या थी? सब मेवा मिठाई थी, खोए की मिठाई, छेने की मिठाई, यही सब। अच्छा, थी और 14,000 की टोटल मिठाई ली। हाँ, उसके बाद आपको जो है फर्जी चेक दिया, तो फिर आपको मालूम कैसे पड़ा कि ये जो चेक जो है कि हमने लोगों को दिखाए हैं तब पता चला कि फर्जी चेक है। किसको दिखाए हैं? कुछ बैंक कैशियर लोगों से वैसे दिखाया है, तब हमको पता लगा फर्जी चेक। तो फिर आपने इसकी शिकायत कहाँ की? अभी तो आप ही नोट कर रहे हैं, FIR करेंगे। FIR करेंगे। अच्छा, जो आदमी था तो आपको उसका कुछ जो है कि उसका कुछ जो है कि चेहरा वगैरह सबको याद है? उनको देखेंगे तब, मुझे याद तो है ही चेहरा, देखेंगे तो पहचान। अच्छा, आपके दुकान में CCTV कैमरा लगा हुआ है? CCTV कैमरा है, वो कुछ दिनों से खराब चल रहा है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।